प्यारे गोकुलधाम वासियों, आज 15 अगस्त है, यानी हमारा स्वतंत्रता दिवस, उसकी आप सबको मुबारक हो। बहुत जोश में मिलता है भाई, आज का दिन ही जोश में रहा है तो जोश में ही मिलेंगे ना। तो पटल मुझसे भी तो गले मिला। अरे डर गए। अरे स्वतंत्र दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बंगाली साड़ी ना? हाँ बाबूजी, बंगाली साड़ी पहने। वाह वाह, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? थैंक यू बबीता जी। देखा जेडेलर, आत्माराम ने रातों रात कितना ग्रैंड और भव्य आयोजन कर दिया। अरे होते करेगा ही ना अय्यर भाई, इतने साल से आयोजन करते आ रहे हैं, तो ये तो इसके भाई हाथ का खेल है। आधी रात को हम लोग भिड़े को बोलेंगे कि भाई भिड़े, कल ये प्रसंग है। बोलेगा वो, ठीक है हो जाएगा, है ना भिड़े? वो तो है जेठाला, लेकिन तुम जितना सोच रहे हो उतना आसान भी नहीं है। क्या है, डेकोरेशन करते वक्त थोड़ा सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। अरे वो तो है, लेकिन मोटा मोटी पूरा आयोजन तेरे दिमाग में रेडी होता है ना? हाँ वो तो वैसे रहता है, क्या भी इतने साल से फंक्शन कर रहे हैं। हाँ तो टप्पू सेना से सीख गए हंस रहे है करके। भिड़े भाई, हंसता क्या है, डरता क्या है? कार बोस तो दिखता है बबीता जी। नहीं नहीं, मराठी नहीं, बंगाली क्या कहते हैं वो? खूब भालो। धन्यवाद धन्यवाद। आणि माधवी भाभी, तुम्ही पण खूप छान दिसता। अरे आभार आभार। आज गोकुलधाम महिला मंडल का व्रत है तो? एक से बढ़कर एक तैयार हुए। अरे तैयार तो आज अपनी गोकुलधाम सोसाइटी हुई है। कितनी सुंदर लग रही है सोसाइटी। तो महिला मंडल, आज के फंक्शन के लिए तैयार है आप लोग? ऑफकोर्स। बाय द वे भिड़े भाई, एक्सलेंट डेकोरेशन। हाँ थैंक यू बबीता जी, लेकिन इसमें टप्पू सेना और अब्दुल की बहुत मेहनत है। भिड़े भाई, आज फ्लैग होस्टिंग कौन करने वाला है बाबा? रोशन भाभी, पता चल जाएगा थोड़ी देर में। पर टप्पू सेना है कहाँ? नहीं टप्पू सेना यहाँ पे नहीं है, वो आगे जो कार्यक्रम होने वाला है ना, एक सरप्राइज कार्यक्रम है आपके लिए, तो उसकी तैयारी में व्यस्त है। अच्छा भिड़े भाई। अरे हाँ, अच्छा हुआ आज का मॉर्निंग सबसे हटके है और सबसे अलग है। नहीं नहीं, आज की सुबह की तो बात ही कुछ अलग है भाई। वैसे तो सूरज रोज उगता है, लेकिन आज का सूरज आजादी की रोशनी लेके उगता है। भाई आज का आयोजन देखकर लग रहा है कि आज का समारोह यादगार होने वाला है। ओ ना पप्पो। अरे पवनलाल, समारोह तो यादगार हो गई, लेकिन फ्लैग होस्टिंग कौन कर रहा है? भाई जेठालाल, जिस तरह से तुम तैयार होके आए हो और जैसे लग रहे हो, उससे तो मुझे लग रहा है कि तुम ही ध्वजारोहण करने वाले हो, भिड़े तुम्हारा ही नाम लेगा। अरे मेहता साहब, आपके मुंह में घी सककर। वैसे भिड़े ने मुझे कुछ बताया नहीं है, लेकिन अगर मुझे यह ध्वजारोहण का मौका मिलता है तो मैं तो फुल रेडी हूँ। अरे रेडी तो हम सब भी हैं, पर पता तो चले कि भिड़े मास्टर किसका नाम लेने वाला है। भिड़ा, ये एक मिनट। हाँ हाँ, आता हूँ। हाँ बोलो बोपटला। अरे भाई अभी तो सब लोग आ गए, अब तो बता दे आज ध्वजारोहण कौन करने वाला है। आत्माराम बताओ, वो लगी बर्तन कौन है? अय्यर भाई, वो जो कोई भी है, इतना तय है कि आप नहीं है। तुमको कहते हैं मालूम? आत्माराम तुमने जेठालाल को बताया? नहीं। तो जेठालाल इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहा है? अरे वो मजाक कर रहा है यार, मैंने किसी को नहीं बताया अभी तक। तो भिड़े अब तो सब आ गए ना, अब तो बता दे ध्वजारोहण कौन करने वाला है। अरे पोपटलाल थोड़ा धीरज रखो भाई, धीरज ना फल मीठा, क्या पता हो सकता है तुम ही हो। हाँ आत्माराम। नहीं। क्या मतलब मैं नहीं हूँ? शांति रखो ना पोपटलाल, अभी थोड़ी देर में सबको पता चल जाएगा कि कौन करने वाला है ध्वजारोहण। अरे भिड़े मास्टर, वो हो गई व्यवस्था आती भाई, क्लब हाउस में नाश्ते पानी की व्यवस्था हो गई है, प्रोग्राम करने के बाद हम लोग क्लब हाउस में जाके नाश्ता पानी करेंगे। अच्छा नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा था। अच्छा मैं ये पूछ रहा था कि ये जो फ्लैग होस्टिंग करने वाला है वो मेल है या फीमेल? हेलो हेलो हेलो, भिड़े भाई माइक रेडी है? हाँ रेडी है ना, वेरी गुड। चला चला कार्यक्रम शुरू करें।
भाई सिटी क्या बजा रहा है भीड़े तू? सिटी कौन बजा रहा है जेठालाल, ये माइक का प्रॉब्लम है। और सिटी ऐसी थोड़ी बजती है, सिटी तो ऐसे बजती है ना। अरे सॉरी 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 सॉरी।